हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर सेवन गेटिंग टू नो प्लांट्स इन दिस चैप्टर वी विल सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ़ एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट बच्चों आपने प्लांट्स बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स अपने आसपास देखे होंगे किसी की पतियाँ ग्रीन हैं किसी की थोड़ी रेडिश हैं किसी में बड़े फ्लावर्स हैं किसी में छोटे हैं किसी के फ्लावर्स का कलर रेड है कोई ब्लू कलर के फ्लावर्स वाले हैं सो वी हैव अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स अराउंड अस और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तो आपको मालूम ही है आप बहुत छोटी क्लास से भी पढ़ते हुए आए हैं दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ प्लांट जिसमें कि आपको अलग अलग पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं इस चैप्टर में हम सारे पार्ट्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर देयर जैसे कि आपको 7.1 पॉइंट वन हेडिंग दिख रहा है हर्ब्स श्रब्स एंड ट्रीज कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको हर्ब्स कहा जाता है किसी को हम श्रब कहते हैं और ट्रीज जिनके बारे में आपको बहुत अच्छे से मालूम है नाउ चिल्ड्रेन देर इज़ अ टेबल इन योर बुक जिसमें कि कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स बताई गई हैं इसमें आपको प्लांट्स के नेम यहाँ फर्स्ट कॉलम में लिखना है और फिर कॉलम वन में आपको हाइट लिखनी है कॉलम टू में उसके स्टेम के बारे में लिखना है कॉलम थ्री में ये ब्रांचेस कहाँ से अपीयर होती हैं उसके बारे में लिखना है और कॉलम फोर में बताना है कि वो प्लांट किस कैटेगरी का है तो ये टेबल जो है वो इनकम्प्लीट है इसमें थ्री कॉलम्स जो ये इनकम्प्लीट हैं दैट यू हैव टू कम्प्लीट बाय सेल्फ ओके चिल्ड्रेन नाउ विल सी वॉट आर वीड्स एक पैराग्राफ uh, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है उसमें वीड्स के बारे में लिखा हुआ है कई बार आपने देखा होगा कि किसान अपने खेतों में कुछ अनवांटेड प्लांट्स को बाहर निकालता है जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उन्हें हम वीड्स कहते हैं ठीक है अच्छा ये थ्री कैटेगरीज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं कि कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं उसके हिसाब से हम प्लांट्स को तीन कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं जैसा कि आपको पहले भी मैंने नाम बताया था हर्ब्स श्रब्स एंड ट्रीज़ ये तीन कैटेगरीज़ हैं जिसमें कि हम डिवाइड करते हैं प्लांट्स को ठीक है अब जिसमें ए है ये जो पिक्चर आपको दिख रही है ये हर्ब है दिस इज श्रब एंड दिस इज ट्री दीज आर द थ्री थ्री कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स अच्छा अब हम इसका डेफिनेशन देखते हैं कि हर्ब्स हम किन्हें कहेंगे प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स दे आर यूजअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेस ऐसे प्लांट्स जिनकी की स्टेम्स जो हैं वो ग्रीन होते हैं और थोड़े टेंडर मतलब डेलिकेट होते हैं उनको हम हर्ब्स कहते हैं ठीक है और जो श्रब हैं वो क्या हैं दीज आर प्लांट्स जिनके स्टेम्स जो हैं वो बेस से ही निकलने लग जाते हैं और स्टेम हार्ड होता है थिक नहीं होता है ऐसे प्लांट्स को हम श्रब्स कहते हैं देन यू नो वेरी वेल are ट्रीज सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम द स्टेम्स हैव branches इन द अपर पार्ट आपने देखा होगा कि branches ऊपरी हिस्से में ही होती हैं जो कि ग्राउंड से बहुत ऊपर होता है इस तरह के प्लांट्स को हम ट्रीज़ कहते हैं सो दीज आर द थ्री बेसिक कैटेगरीज जिनके आपको नाम मैंने बताए और इनका नाम आपको हमेशा याद रखना है बच्चों एक था ह दूसरा था श्रब एंड देन ट्री इस तीन कैटेगरीज़ पर बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पर बच्चों एक एक्टिविटी की हुई है इस एक्टिविटी में हमने स्टेम के बारे में जानने के लिए एक एक्टिविटी की है एक प्लांट लिया हुआ है इस प्लांट के स्टेम को हमने कट करके कलर्ड वाटर में डाल दिया है ये प्लांट जो है इसका स्टेम यदि आप देखें ये कटा हुआ है यहाँ से और इसको हमने रेड इंक वाले पानी में डाल दिया है और फिर बाद में ऑब्जर्व किया तो उसका स्टेम भी हमको कलर्ड दिखाई दिया ऐसा क्यों होता है क्योंकि स्टेम जो है वो वाटर को कंडक्ट करता है वाटर को ले जाता है कहाँ से आपने देखा है कि आप ज़मीन में पानी देते हैं तो वो ऊपर तक पौधों को कैसे मिलता है तो वो किसके जरिए मिलता है स्टेम के जरिए मिलता है स्टेम जो है वो पानी को कंडक्ट करता है इस एक्टिविटी में यहाँ भी बताया गया है कि बाद में जो स्टेम है वो जब उसको काट कर देखा गया तो वो कलर्ड पाया गया ये स्टेम को काट करके देखा गया तो वो कलर्ड पाया गया दिस प्रूफ्स कि स्टेम कंडक्ट वाटर इससे पता चलता है कि स्टेम जो है वो वाटर को कंडक्ट करता है ठीक है नाउ वी कम टू द लीफ लीफ में बच्चों कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके लिए ये पिक्चर आप यदि ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा तीन आपको यहाँ पर हिस्से दिखाई दे रहे हैं यदि आप ये तीन पार्ट्स देखें तो कौन से तीन पार्ट्स आपको लीफ में दिखाई दे रहे हैं देखिए लीव का एक पिक्चर यहाँ पर दे रखा है और इसमें आप देखें तो जो पार्ट ऑफ अ लीफ बाय विच इट इज़ अटैच टू द स्टेम इज़ कॉल्ड पी ये यहाँ पे पिक्चर में भी आपको देख दिखाई दे रहा है जिस हिस्से से लीफ स्टेम से जुड़ी होती है उसको हम पी कहते हैं बाकी आपको लीफ का जितना हिस्सा दिखाई दे रहा है ग्रीन पार्ट उसको हम लेमिना कहते हैं और फिर आपको लीफ के अंदर इस तरह से लाइंस भी दिखाई देती हैं ये जो लाइंस है बच्चों इसको हम वेंस कहते हैं यहाँ पे आपको ये दिख रहा है वर्ड सो देर आर मेनली थ्री पार्ट्स ऑफ अ लीफ ये है पिटियोल लैमिना एंड वेंस ओके सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ अब लीफ वेनेशन क्या होता है लीफ वेनेशन मतलब कि वेन्स किस तरह से उसमें बनी हुई हैं लीफ में किस तरह से वेन्स बनी हुई हैं इसको हम बोलते हैं लीफ वेनेशन द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ फेनेशन अब ये रेटिकुलेट वेनेशन हो सकता है और पैरेलल वेनेशन हो सकता है तो रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन क्या है बच्चों ऐसा वेनेशन जिसमें कि नेट लाइक स्ट्रक्चर दोनों तरफ हो ये इस तरह का जो लीफ वेनेशन है उसको हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन और आपने ऐसी पत्तियाँ भी देखी होंगी जिसमें कि इस तरह से बीच में पैरेलल लाइंस बनी होती हैं जिसमें सारी वेन्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो इसको हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन ठीक है बच्चों तो इस पर भी इम्पॉर्टेंट आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लीफ वेनेशन कितने तरह का होता है अच्छा एक आपको दिखाई दे रहा है मिड रिब क्या होता है रिब एक शब्द जो है वो एक्सप्लेनेशन से छूट गया है ये जो बीच में आपको मेन वेन दिखाई दे रही है उसको हम कहते हैं रिब ओके okay, बच्चों ठीक है अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया है यदि हम आप घर में भी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट बहुत इजी है यहाँ पर हमने एक लीव को पॉलिथीन बैग से बंद कर दिया है ठीक है ये देखिए कवर करके रख दिया है और फिर हम उसको जब नेक्स्ट डे देखेंगे तो ऐसा लगता है अंदर थोड़ा मॉइस्चर आ गया है तो ये मॉइस्चर कहाँ से आया एक्चुअली लीव से कुछ पानी बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ पेपर इस प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसपिरेशन तो प्लांट्स क्या करते हैं इस ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से बहुत सारा वाटर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं एयर में रिलीज़ करते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन ओके सो दिस यू कैन डू एट योर होम ऑल्सो चिल्ड्रेन अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है चिल्ड्रन ये भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है हालांकि आप घर पर नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ इस एक्टिविटी में क्या बताया गया है ये देखिए उसका पिक्चर है इसमें हमने एक लीव को टेस्ट ट्यूब में रखा है ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर लीफ रखी हुई है और लीफ के अंदर स्पिरिट था स्पिरिट जो है वो लैब में ही अवेलेबल होता है तो इसके अंदर हमने लीफ और स्पिरिट डाला और फिर इसको हम एक बड़े बीकर में रख करके जिसमें पानी भरा हुआ है उसको हम पानी को गर्म कर रहे हैं जब हम पूरा प्रोसेस कर लेते हैं तो जितना भी ग्रीन कलर होता है लीफ का वो उस लिक्विड के अंदर आ जाता है यानी हमने पूरा ग्रीन कलर उसमें से निकाल दिया जब हम ग्रीन कलर देखिए पत्ती ऐसी थी स्टार्टिंग में अब वो ऐसी हो गई है यहाँ पे देखिए इसमें बिल्कुल भी ग्रीन कलर नहीं है अब उस लीफ के ऊपर हमने क्या किया है आयोडीन सोल्यूशन डाला है और जब हम आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं तो वो आयोडीन सोल्यूशन की वजह से वो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है या तो वो ब्लू या ब्लैक हो जाता है ठीक है तो इसमें एक चीज़ का पता चलता है कि लीफ के अंदर स्टार्च है तभी वो उसका कलर जो है वो आयोडीन के प्रेजेंस में चेंज हो गया है तो अब ये स्टार्च कहाँ से आया लीफ के अंदर स्टार्च कहाँ से आया ये देखिए लीफ के अंदर स्टार्च है तो ये कहाँ से आया बच्चों तो जैसे कि हम अपने घर में खाना बनाते हैं वैसे प्लांट्स को भी खाने की ज़रूरत होती है तो प्लांट्स भी अपना खाना बनाते हैं तो उसके लिए लीव्स जो हैं वो खाना बनाती हैं लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस लीफ में जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है और सनलाइट का यूज़ करते हुए दे यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है इससे उनका फूड प्रिपेयर होता है मतलब कि उन्होंने किस किस का यूज़ किया कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जिसको हम सी टू लिखते हैं और वाटर का यूज़ किया जिसको हम एच टू ओ लिखते हैं और उन्होंने क्या बना लिया अपना फ़ूड बना लिया क्या बना लिया अपना फ़ूड अब यहाँ पर सनलाइट ये एरो के ऊपर हम लिखेंगे कि किस किस की प्रेजेंस में हुआ सनलाइट और एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस जो कि लीफ में होता है उसकी प्रेजेंस में हुआ अब बच्चों ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उनके खाना बनाने वाली प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है जिसका नाम आपने सुना होगा ऑक्सीजन गैस जब वो खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं तब ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और ये ऑक्सीजन गैस जो हमारे लिए लाइफ गिविंग गैस है क्योंकि हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तो हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो इस तरह से प्लांट्स अपना फ़ूड बनाते हैं और ये फूड जो लीव्स बनाती हैं वो कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है और फिर उसको स्टोर्ड फूड को कंज्यूम किया जाता है दूसरे एनिमल्स के द्वारा ठीक है सो दिस इज अबाउट लीफ लीफ का स्ट्रक्चर हमने देखा लीफ में कौन सी प्रोसेस चलती है फोटोसिंथेसिस की उसके बारे में हमने पढ़ा नाउ वी कम टू रूट्स रूट्स क्या होता है बच्चों एक एंकरिंग पार्ट होता है किसका प्लांट का एंकरिंग पार्ट मतलब वो प्लांट को फिक्स करता है ज़मीन के अंदर ताकि वो फिक्स रहे वहाँ पर यहाँ पे देखिए हमने प्लांट्स लिए हैं और प्लांट्स की रूट्स को देखा है कि किस तरह से रूट्स जो हैं वो बढ़ रही हैं कुछ कुछ एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर दी हुई हैं जैसे एक एक्टिविटी यहाँ बताई गई है ये आप घर पर कर सकते हैं इसके लिए हमें चाहिए ग्राम एंड मेज मतलब आपको चाहिए चना और मक्का चना और मक्का का स्प्राउटिंग किया हुआ है चना और मक्का का स्प्राउट यहाँ पर बनाया गया है मतलब धोकर उनको एक कॉटन वूल में रख दिया गया है ये देखिए और फिर उस पर पानी डेली थोड़ा थोड़ा पानी डाला गया है अब चूँकि अभी बारिश का मौसम है तो अभी स्प्राउटिंग जल्दी हो जाएगा तो अब ये जब स्प्राउट में से थोड़े छोटे छोटे आपको ग्रोथ निकलती हुई दिखाई देगी ये एक्चुअली रूट्स बन रही हैं कुछ शूट बनेगी कोई रूट बनेगी अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपको अलग तरह की रूट दिखाई दे रही है ए में कोई अलग तरह की रूट है और बी में कुछ अलग तरह की रूट्स बन रही हैं चने में कुछ अलग रूट बन रही है और यहाँ मेज़ में अलग रूट बन रही है इसका मतलब कि दो तरह की रूट्स होती होंगी ठीक है तो अब हम देखने वाले हैं कि कौन सी तरह की रूट्स होती हैं कौन से दो तरह की रूट्स होती हैं अब आप इस पिक्चर में ध्यान से देखिए बच्चों तो आपको दो तरह की रूट्स दिखाई देंगी जो पिक्चर ए है सेवन पॉइंट वन सेवन का ए जो पिक्चर है उसमें आपको कैसी रूट दिखाई दे रही है कि एक मेन रूट है और फिर उससे बहुत सारी छोटी 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 छोटी, छोटी रूट्स निकल रही हैं ऐसे ही दिख रहा है और जो दूसरी है इस तरह की इसमें कैसा दिखाई दे रहा है कि इसी जगह से बहुत सारी रूट्स ऐसे निकल रही हैं ऐसे ही है यहाँ पर एक मेन रूट थी यहाँ पर कोई मेन रूट नहीं है यहाँ पर सब इंडिविजुअल हैं ठीक है थीके? तो ऐसी रूट्स जिसमें कि एक मेन रूट होती है बाकी सब इंडिविजुअल नहीं होती हैं इस तरह की रूट्स को हम कहते हैं टैप रूट और जिसमें कोई मेन रूट नहीं होती है उसे हम कहते हैं फाइब्रस रूट्स तो दो तरह की रूट्स होती हैं टैप रूट एंड फाइब्रस रूट्स ठीक है बच्चों ये यहाँ पर इसका डेफिनेशन भी दिया हुआ है द मेन रूट इज़ कॉल्ड टैप रूट एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स ठीक है और फाइब्रस रूट में सभी सिमिलर रूट्स होती हैं अब यहाँ पर एक टेबल भी आपको दे रखी है इस टेबल में कुछ समझाया गया है आपको टेबल ब्लैंक छोड़ी गई है इसमें बताया गया है नेम ऑफ द प्लांट लिखना है नेम ऑफ़ सॉरी टाइप ऑफ लीफ वेनेशन लिखना है टाइप ऑफ रूट्स लिखना है अब बच्चों इसमें कुछ रिलेशन होता है जिसमें कि आपको पैरेलल वेनेशन मिलता है जिसकी पत्तियों में पैरेलल वेनेशन होता है उसमें फाइब्रस रूट्स आपको दिखाई देती हैं और जिसमें जिसकी पत्तियों में इस तरह का रेटिकुलेट वेशन आपको दिखता है उसमें आपको ऐसी रूट्स दिखाई देती हैं यानी कि टैप रूट दिखाई देती है ये एक रिलेशन है दोनों के बीच में तो ये आपको याद रखना है ठीक है बच्चों उसके बाद हम आते हैं मेन जो एक पार्ट होता है प्लांट का दैट इज़ फ्लावर फ्लावर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं तो हम फ्लावर के बारे में अब पढ़ने वाले हैं फ्लावर को यदि हम ऑब्जर्व करें ध्यान से तो फ्लावर में बच्चों एक कलर्ड पार्ट होता है जिसका कलर कुछ भी हो सकता है रेड पिंक या कोई भी दूसरा कलर ऑरेंज वाइट जो कलर्ड पार्ट होता है उसको हम कहते हैं पेटल्स यहाँ पर आपको एक बर्ड भी बना के बताई गई है और एक फ्लावर भी बना के बताया हुआ है तो बर्ड या फिर फ्लावर का जो कलर्ड लीव्स होती हैं कलर्ड पार्ट होता है उसे हम कहते हैं पेटल्स ओके दीज आर कॉल्ड पेटल्स और कुछ जो पार्ट होता है जो कि कवर करता है उस कलर्ड पार्ट को कवर करे हुए रहता है या फिर नीचे रहता है उसको हम कहते हैं सेपल्स ये मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं तो दो पार्ट तो आपको यहाँ पे दिखाई दिए पेटल्स और सेपल्स ठीक है यहाँ पर भी आपको एक एक्टिविटी के लिए एक टेबल दे रखा है जिसमें कि आपसे कहा गया है कि नेम ऑफ द फ्लावर लिखो उसके कलर पेटल्स लिखो उसके सेपल्स का नाम लिखो वो जॉइंट हैं क्या उनके स्टेमन्स फ्री हैं क्या या पिस्टल्स प्रेजेंट हैं या एबसेंट है तो ये एक्टिविटी आप घर पर कर सकते हैं आप यदि आपके घर में गार्डन हो तो आप अलग अलग तरह के फ्लावर्स लेके इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं अब यहाँ पर देखिए बच्चों इसके अलावा हम पिस्टल और स्टेमिन के बारे में पढ़ने वाले हैं पिस्टल और स्टेमिन ध्यान से आप पिक्चर को देखेंगे यहाँ पर ये जो फ्लावर है उसके पेटल्स ये तो पेटल्स है और ये सेपल्स हैं उसके अलावा आपको बीच में ये जो लंबे लंबे पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं ये जो है ये स्टेमिन कहलाते हैं इसे हम कहते हैं स्टेमिन और यहाँ बेस में एक पार्ट है जिसका नाम है पिस्टल अब स्टेमिन के भी हमने पार्ट्स को अलग अलग करके देखा तो उसमें क्या है एक पहले तो लंबा सा थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर कुछ ऐसे बीज जैसे या कुछ एलोंगेटेड स्ट्रक्चर जो दिख रहा है उसको हम कहते हैं एंथर और ये जो लंबा सा एक पार्ट है इलांगेटेड इसको हम कहते हैं फिलामेंट ये एक स्टेमन है जो हमने यहाँ से लिया इधर से लिया उसको हमने यहाँ पर आपको एलोंगेट करके बताया या बड़ा करके बताया स्टेमन जो है स्टेमन एक्चुअली दो पार्ट से बना होता है एंथर और फिलामेंट ठीक है बच्चों अब रह गया है हमारा पिस्टल पिस्टल जो है वो देखिए यहाँ पर देखिए पिस्टल का डायग्राम दे रखा है पिस्टल में भी स्टेमिन की तरह कुछ और पार्ट्स होते हैं जैसे कि ऊपर आपको एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये ये है स्टिग्मा स्टिग्मा जो है वो एक पाइप जैसी चीज़ नीचे तक जा रही है इसे हम कहते हैं स्टाइल और ये जो फूला सा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम कहते हैं ओवरी तो ये पिस्टल के पार्ट्स हैं ठीक है बच्चों तो ये फ्लावर के हमने अलग अलग पार्ट्स पढ़े एक बार फिर से आपको बता देते हैं फ्लावर्स के कौन कौन से पार्ट्स हमने पढ़े हमने पढ़ा कि उसमें कलर्ड पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं पेटल उसमें एक ग्रीन कलर का पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं सेपल उसमें होते हैं स्टेम्स और पिस्टल और ये जो सेमन है इसके अंदर भी दो पार्ट होते हैं एंथर और फिलामेंट ये दो पार्ट देखे थे ना हमने एंथर और फिलामेंट और इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि पिस्टल के भी तीन पार्ट्स होते हैं स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी तो ये एक फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर है बच्चों अब ये जो हमने कहा कि ओवरी होती है अब हम ओवरी को कट करके देखते हैं कि ये जो ओवरी हमने बताया कि ये जो फूला सा पार्ट है इसको ओवरी कहते हैं अब ओवरी को हम दो तरीके से कट करके देख रहे हैं जैसे ये मान लीजिए ये ओवरी है है ना तो उसको हम या तो ऐसे काट सकते हैं ठीक है जैसे आपको पता है ना भिंडी हम काटते हैं तो भिंडी को हम गोल गोल भी काट सकते हैं लंबी भी काट सकते हैं उसी तरह से आप इमेजिन कीजिए कि भिंडी को हम गोल गोल काटना चाहते हैं तब हम ऐसे बीच से काटते हैं और जब लंबी काटना होता है मान लीजिए भिंडी है ठीक है इसको हम गोल गोल काटना होता है तो हम ऐसे काटते हैं ना और इस हिस्से को, हğ....... को हटा देते हैं इसको हटा देते हैं इसको हटा देते हैं ये गोल गोल कट गई भिंडी जब आप भिंडी को गोल गोल काटते हैं तो कैसा स्ट्रक्चर दिखता है बच्चों ऐसा दिखता है अंदर थोड़े से बीज जैसे दिखते हैं आपको ऐसे 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 ही होता है ना और जब हमने भिंडी को लंबा काट दिया यानी कि ऐसे काटा तब आपको भिंडी कैसी दिखती है लंबी लंबी दिखती है यहाँ साइड में आपको बीज दिखते हैं दिखते हैं तो यहाँ पर ओवरी को भी हमने ऐसे ही काट रखा है कैसे काट रखा है ओवरी को एक बार तो हमने ऐसे काटा है जिससे गोल सेक्शन मिले और एक बार हमने ऐसे काटा है ठीक तो आपको यहाँ पर बताया गया है कट करने के बाद आप देखेंगे इसको ध्यान से तो जब हमने उसको बीच से काटा गोल काटा तो हमको ओवरी ऐसे दिखाई देती है ये जो बीच में आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ये हैं ओव्यूल्स और जब हमने उसको लंबा काटा तो हमको ऐसे साइड में लगे हुए ओव्यूल्स दिखाई देते हैं ये ओव्यूल्स क्या हैं ये ओवरी के अंदर होते हैं तो इस तरह से बच्चों ये पूरा स्ट्रक्चर है फ्लावर का जिसमें सेपल्स होते हैं पेटल्स होते हैं स्टेमन होता है, पिस्टल होता है फिर स्टेमन के दो पार्ट होते हैं पिस्टल के तीन पार्ट होते हैं तो ये पूरा चैप्टर जो है इस तरह से आपका कंप्लीट होता है इसको आप रीड करिए और इसमें ये जो कीवर्ड्स दे रखे हैं इन कीवर्ड्स को आप समझने की कोशिश कीजिए ओके और जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लें तो इस समरी को भी एक बार रीड कीजिए ओके बच्चों ओके थैंक यू बच्चों थैंक यू सो मच